10 नवंबर को पीएम मोदी मिशन झारखंड पर हैं, जहां 10 विधानसभा के लोगों को चंदन कियारी के मैदान से संबोधित करेंगे। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष सह बीजेपी उम्मीदवार अमर कुमार बाउरी ने कहा कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम चंदन कियारी इलाके में होना गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के अमर बाउरी ने कहा कि आज बांग्लादेशी घुसपैठ का पोषण हेमंत की सरकार ने किया है, और क्या कुछ अमर कुमार बाउरी ने कहा उस पर एक नजर। देश के लाडले प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी इसी फुटबॉल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पधार रहे हैं। देश के आज़ादी के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री का इसे चंदन क्यारी की पावन धरती पर आगमन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी लगभग 7 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को, 10 विधानसभा के, माफ कीजिएगा, 10 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को, जनता को यहाँ से संबोधित करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में जो पिछले 5 साल में जो सरकार रही है, इस सरकार ने झारखंड को तबाह और बर्बाद करने का काम किया है। एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों का पनाहगार बनाने के फिराक में तुष्टिकरण की राजनीति के कारण यहां के मूलवासी आदिवासियों के जीवन को इन्होंने दुभर बनाया है। यहां युवाओं का, यहाँ के महिलाओं का कोई सम्मान इनके नज़र में नहीं है, और आज वो खुलेआम सलाम मालिकुम कह करके यहाँ के लोगों को चिढ़ाने का और यहाँ के लोगों को ललकारने का काम कर रहे हैं। ऐसे बंटी बबली की सरकार को उखाड़ फेंकने का जो युवाओं ने संकल्प लिया है, माताओं ने, बहनों ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को एक आवाज़ देने के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, 10 नवंबर 2024 दिन रविवार सुबह 10 बजे चंडीपुर फुटबॉल मैदान। 10 नवंबर को पीएम मोदी मिशन झारखंड पर हैं, जहां 10 विधानसभा के लोगों को चंदन कियारी के मैदान से संबोधित करेंगे। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष सह बीजेपी उम्मीदवार अमर कुमार बाउरी ने कहा कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम चंदन कियारी इलाके में होना गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के अमर बाउरी ने कहा कि आज बांग्लादेशी घुसपैठ का पोषण हेमंत की सरकार ने किया है, और क्या कुछ अमर कुमार बाउरी ने कहा उस पर एक नजर। देश के लाडले प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी इसी फुटबॉल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पधार रहे हैं। देश के आज़ादी के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री का इसे चंदन क्यारी की पावन धरती पर आगमन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी लगभग 7 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को, 10 विधानसभा के, माफ कीजिएगा, 10 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को, जनता को यहाँ से संबोधित करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में जो पिछले 5 साल में जो सरकार रही है, इस सरकार ने झारखंड को तबाह और बर्बाद करने का काम किया है। एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों का पनाहगार बनाने के फिराक में तुष्टिकरण की राजनीति के कारण यहां के मूलवासी आदिवासियों के जीवन को इन्होंने दुभर बनाया है। यहाँ युवाओं का, यहाँ के महिलाओं का कोई सम्मान इनके नज़र में नहीं है, और आज वो खुलेआम सलाम मालिकुम कह करके यहाँ के लोगों को चिढ़ाने का और यहाँ के लोगों को ललकारने का काम कर रहे हैं। ऐसे बंटी बबली की सरकार को उखाड़ फेंकने का जो युवाओं ने संकल्प लिया है, माताओं ने, बहनों ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को एक आवाज़ देने के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, 10 नवंबर 2024 दिन रविवार सुबह 10 बजे चंडीपुर फुटबॉल मैदान में पधार रहे हैं। 10 नवंबर को पीएम मोदी मिशन झारखंड पर हैं, जहां 10 विधानसभा के लोगों को चंदन कियारी के मैदान से संबोधित करेंगे। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष सह बीजेपी उम्मीदवार अमर कुमार बाउरी ने कहा कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम चंदन कियारी इलाके में होना गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के अमर बाउरी ने कहा कि आज बांग्लादेशी घुसपैठ का पोषण हेमंत की सरकार ने किया है, और क्या कुछ अमर कुमार बाउरी ने कहा उस पर एक नजर। देश के लाडले प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी इसी फुटबॉल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पधार रहे हैं। देश के आज़ादी के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री का इसे चंदन क्यारी की पावन धरती पर आगमन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी लगभग 7 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को, 10 विधानसभा के, माफ कीजिएगा, 10 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को, जनता को यहाँ से संबोधित करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में जो पिछले 5 साल में जो सरकार रही है, इस सरकार ने झारखंड को तबाह और बर्बाद करने का काम किया है। एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों का पनाहगार बनाने के फिराक में तुष्टिकरण की राजनीति के कारण यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के जीवन को इन्होंने दुभर बनाया है। यहाँ
युवाओं का, यहाँ के महिलाओं का कोई सम्मान इनके नज़र में नहीं है और आज वो खुलेआम सलाम अलैकुम कह करके यहाँ के लोगों को चिढ़ाने का और यहाँ के लोगों को ललकारने का काम कर रहे हैं। ऐसे बंटी बबली की सरकार को उखाड़ फेंकने का जो युवाओं ने संकल्प लिया है, माताओं ने, बहनों ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को एक आवाज़ देने के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, 10 नवंबर 2024 दिन रविवार सुबह 10 बजे चंडीपुर फुटबॉल मैदान में पधार रहे हैं। 10 नवंबर को पीएम मोदी मिशन झारखंड पर हैं, जहां 10 विधानसभा के लोगों को चंदन क्यारी के मैदान से संबोधित करेंगे। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष सह बीजेपी उम्मीदवार अमर कुमार बौरी ने कहा कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम चंदन क्यारी इलाके में होना गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के अमर बौरी ने कहा कि आज बांग्लादेशी घुसपैठ का पोषण हेमंत की सरकार ने किया है और क्या कुछ अमर कुमार बौरी ने कहा, उस पर एक नजर। देश के लाडले प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी इसी फुटबॉल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पधार रहे हैं। देश के आज़ादी के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री का इसे चंदन क्यारी की पावन धरती पर आगमन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी लगभग 7 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को, 10 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को जनता को यहाँ से संबोधित करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में जो पिछले 5 साल में जो सरकार रही है, इस सरकार ने झारखंड को तबाह और बर्बाद करने का काम किया है। एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों का पनाहगार बनाने के फिराक में तुष्टिकरण की राजनीति के कारण यहां के मूलवासी आदिवासियों के जीवन को इन्होंने दुभर बनाया है। यहां युवाओं का, यहाँ के महिलाओं का कोई सम्मान इनके नज़र में नहीं है और आज वो खुलेआम सलाम अलैकुम कह करके यहाँ के लोगों को चिढ़ाने का और यहाँ के लोगों को ललकारने का काम कर रहे हैं। ऐसे बंटी बबली की सरकार को उखाड़ फेंकने का जो युवाओं ने संकल्प लिया है, माताओं ने, बहनों ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को एक आवाज़ देने के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, 10 नवंबर 2024 दिन रविवार सुबह 10 बजे चंडीपुर फुटबॉल मैदान में पधार रहे हैं। 10 नवंबर को पीएम मोदी मिशन झारखंड पर हैं, जहां 10 विधानसभा के लोगों को चंदन क्यारी के मैदान से संबोधित करेंगे। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष सह बीजेपी उम्मीदवार अमर कुमार बौरी ने कहा कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम चंदन क्यारी इलाके में होना गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के अमर बौरी ने कहा कि आज बांग्लादेशी घुसपैठ का पोषण हेमंत की सरकार ने किया है और क्या कुछ अमर कुमार बौरी ने कहा, उस पर एक नजर। देश के लाडले प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी इसी फुटबॉल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पधार रहे हैं। देश के आज़ादी के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री का इसे चंदन क्यारी की पावन धरती पर आगमन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी लगभग 7 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को, 10 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को जनता को यहाँ से संबोधित करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में जो पिछले 5 साल में जो सरकार रही है, इस सरकार ने झारखंड को तबाह और बर्बाद करने का काम किया है। एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों का पनाहगार बनाने के फिराक में तुष्टिकरण की राजनीति के कारण यहां के मूलवासी आदिवासियों के जीवन को इन्होंने दुभर बनाया है। यहाँ युवाओं का, यहाँ के महिलाओं का कोई सम्मान इनके नज़र में नहीं है और आज वो खुलेआम सलाम अलैकुम कह करके यहाँ के लोगों को चिढ़ाने का और यहाँ के लोगों को ललकारने का काम कर रहे हैं। ऐसे बंटी बबली की सरकार को उखाड़ फेंकने का जो युवाओं ने संकल्प लिया है, माताओं ने, बहनों ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को एक आवाज़ देने के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, 10 नवंबर 2024 दिन रविवार सुबह 10 बजे चंडीपुर फुटबॉल मैदान में पधार रहे हैं।